इमेजेस कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो ये मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करी यहाँ पर, एंड गाइस ये वाली इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है मेरे आईफोन पे। मैं इस पर क्लिक करूंगा ओपन पर, एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेम इमेज मेरे पास हमारे मेरे आईफोन में आ गई है, जो कि मैंने अभी अभी ट्रांसफर करी है अपने अपने कंप्यूटर से। सो इस तरह से आप अपने एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पर बहुत ही इजीली, लोकल सर्वर। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहां पर मैंने क्रिएट करी, एंड गाइस ये फाइल मैंने यहां से इसमें ट्रांसफर करी और इससे मेरे वायरलेसली मेरे मोबाइल पर आ गई है। सो गाइस हाउ कूल इज दिस थिंग यूजिंग दिस सिंपल राउटर। गाइस ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है, और ये जो मेरा कंप्यूटर है ये भी कोई ऐसा हाई एंड कंप्यूटर नहीं है। So here is some guys Harshen back with another video. So guys, in this video I'm going to show that how you can create your very own server using an old laptop. So guys, इसके लिए जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ये मतलब इतना ज्यादा पुराना लैपटॉप है, आई रियली डोंट नो कि अगर आपने इससे पुराना लैपटॉप आज तक देखा होगा या नहीं होगा। सो गाइस शायद से ये 7 या फिर 8 साल पुराना लैपटॉप है। एंड गाइस आपको ऐसे चीप लैपटॉप्स आराम से किसी भी स्टोर से मिल सकते हैं, या फिर गाइस आप OLX पे ट्राई कर सकते हैं, आराम से आपको ऐसे लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। वो ये बेसिकली क्लाउड सर्वर की तरह ही होगा, बट ये लोकली आपके घर में ही होगा, इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जैसे आप गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, इन सब पे करके आप होस्ट करते हैं अपनी फाइल्स को, इसमें गाइस आप लोकली इन सबको अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सकेंगे। गाइस दिस इज प्रीटी कूल। सो गाइस सर्वर रखने के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि आपके फोन में स्टोरेज कम हो रही है, आपके कंप्यूटर में स्टोरेज कम हो रही है, या फिर गाइस आपको एक ही जगह सारी फाइल्स रखनी है, या फिर मान लो आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज है एंड आप चाहते हैं उन सभी पे वही सेम चीज एक्सेस करना। जैसे मान लो आपके पास एक मूवी है, उस मूवी को अपने टीवी पे देखना चाहते हैं, या फिर अपने उसको अपने लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, या फिर उसको अपने फोन पे देखना चाहते हैं। गाइस ये सारी चीजें आप अपने एक सर्वर के साथ कर सकते हैं। गाइस वन मोर थिंग, कि अगर मान लो आपके पास USB वाले प्रिंटर्स हैं एंड उसको भी गाइस आप वायरलेस बना सकते हो सर्वर के साथ। सो इन द फ्यूचर वीडियो आई विल शो यू दैट पार्ट एज वेल। तो इसके लिए बेसिकली आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं चाहिए, आपको एक बहुत ही डिसेंट सा एक लैपटॉप चाहिए होगा, गाइस एक पेन ड्राइव चाहिए होगी जिसमें हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, एंड गाइस ऑब्वियसली आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। Ubuntu सर्वर यूज करने का ये फायदा इसलिए है क्योंकि गाइस जो ये वाली मशीन है, अब जैसे मान लो हमारी जो विंडोज कंप्यूटर है, विंडोज कंप्यूटर को मैं 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स या फिर एक हफ्ते तक डायरेक्टली ऑन नहीं रख सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी Ubuntu मशीन है गाइस, इसको हम महीनों तक ऑन रख सकते हैं और इसमें कोई भी क्रैशेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए गाइस हम Ubuntu में प्रेफर करते हैं सर्वर को इंस्टॉल करना। सो गाइस आई विल जस्ट टेल यू इन अ मोमेंट कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। सो गाइस अब होगा क्या कि जैसे जो मैंने ये वाला वाईफाई बनाया है, ये वाला वाईफाई मेरा यहाँ पर रखा रहेगा, एंड गाइस लैन केबल के थ्रू, लैन केबल RJ45 कनेक्टर के थ्रू ये मेरा यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, एंड इस लैपटॉप पे मैंने सर्वर बना रखा होगा। सो ये मेरा एक सर्वर है बेसिकली, सारी फाइल्स हम इस पे स्टोर करेंगे। एंड गाइस अब क्या होगा, या तो मैं चाहूँ तो यहाँ से सारी वाईफाई वायर्ड कनेक्शन कर सकता हूँ, पूरे घर में अपने लैन कनेक्शन कर सकता हूँ, एंड Mobile 1, Mobile 2 सारी चीजें कनेक्ट कर सकता हूँ, बट गाइस ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे एक वाईफाई यूनिट यूज किया है। इससे क्या होगा कि वाईफाई सिग्नल के थ्रू वायरलेसली गाइस मैं अपना टीवी, अपना कंप्यूटर, जो भी मेरी चीजें हैं, ये सारी चीजें वायरलेसली मेरे लैपटॉप सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगी। एंड गाइस इसीलिए हमने सर्वर और हमारे वाईफाई को वायरलेसली कनेक्ट नहीं किया है, हमने उसको कनेक्ट किया है एक लैन केबल के थ्रू। हम लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे क्योंकि गाइस लैन की स्पीड्स वाईफाई की स्पीड से काफी ज्यादा अच्छी होती है। सो गाइस यही चीज हम करने जा रहे हैं क्योंकि गाइस ऑब्वियसली जो हमारी लैन की स्पीड्स होती है वो हमारे वाईफाई की स्पीड से अच्छी होती है। आप चाहें तो गाइस सीधा अपना लैपटॉप जो है ये सीधे सारे लैन कनेक्शन के साथ भी कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। बट गाइस अगेन लैन कनेक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे घर में आपके वायर्स ही वायर्स हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। एनीवे गाइस आपको एक बेसिकली लेआउट तो समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से हम कनेक्शन करने वाले हैं। गाइस नाउ लेट मी जस्ट क्विकली शो यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। और गाइस एक बात और, जरूरी नहीं है कि जो वाईफाई है इसमें इंटरनेट हो, आपको बस एक वन टाइम इंटरनेट चाहिए सेटअप करने के लिए। वैसे गाइस इंटरनेट जरूरी नहीं है क्योंकि सारी चीजें लोकल है, ये आपके लोकल आईपी पर, जो भी आपका आईपी होगा, फिलहाल के लिए मेरा जो है वो 192.168.0.1 है शायद से, हम ये देखेंगे आगे जाके हम क्या होगा। ये गाइस सारी चीजें लोकली स्टोर होंगी आपके घर पे ही, कोई इसको आपके वाईफाई के बाहर, आपके नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो गाइस नाउ लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि आपको क्या क्या करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी। गाइस इस पेन ड्राइव में हम Ubuntu सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस Ubuntu सर्वर के दो वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है Ubuntu सर्वर अवेलेबल होता है और एक होता है Ubuntu डेस्कटॉप। सो जो Ubuntu सर्वर होता है, गाइस Ubuntu सर्वर मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। जैसे हमने CMD देखा होगा आपने, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कमांड्स लिख सकते हैं। इसमें हम गाइस जैसे अभी हमारा विंडोज है, ये बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, इसमें सारी चीजें लिखी आ रही है, सब कुछ चीजों पे हम क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट गाइस Ubuntu सर्वर में ऐसा कुछ नहीं होगा। Ubuntu डेस्कटॉप में ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएंगे ना, आप एक सर्वर
Ubuntu desktop से भी create कर सकते हैं, but guys I will not suggest you guys to do it with a Ubuntu desktop. Ubuntu server काफी lightweight है, काफी किसी भी मतलब ये इतनी पुरानी मशीन है इस पे मैं Ubuntu server चलाऊंगा. वैसे guys Ubuntu desktop भी चला सकते हैं but Ubuntu server is better. So मैं आपको फटाफट एक बार system requirements दिखा दूँ कितनी requirements होती है इसकी. 2 GHz का dual core और better CPU चाहिए होता है, 4 GB की memory चाहिए होती है, 25 GB hardly 25 GB और space चाहिए होता है, और इंटरनेट एक्सेस इज हेल्पफुल मतलब इंटरनेट भी जरूरी नहीं है, और एक डीवीडी यूएसबी पोर्ट यूएसबी मीडिया चाहिए होती है ताकि आप इंस्टॉल कर सके अपने Ubuntu सर्वर को. सो गाइस बेसिकली जैसे आपने देखा कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है हमारे Ubuntu की. सो गाइस हम फटाफट यहां से जो भी आपका लेटेस्ट सर्वर उस समय आ रहा होगा, सो मेरे को नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे होंगे, फिलहाल के लिए 20.0.4 लेटेस्ट है, मैं क्लिक कर दूंगा डाउनलोड पर. एंड गाइस यहां पे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो आई विल जस्ट चेक कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई. ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग गाइस स्टार्ट हो गई है. सो गाइस मेरे पास ये ऑलरेडी फाइल है इसलिए इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं क्लिक कर देता हूं कैंसिल पर. एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करनी पड़ेगी. सो गाइस वेट, आई विल जस्ट डू इट. एंड गाइस आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है Bellina HR, मेरे पास ऑलरेडी है. गाइस Bellina HR बेसिकली एक वाला सॉफ्टवेयर है जो आपके पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर देगा. आप चाहे तो Bellina HR के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए Bellina HR मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ बड़ा ही सही तरह से वर्क करता है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं Bellina HR यहां पे ओपन हो गया है, हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट इमेज पर. एंड गाइस यहां पे हम उसी वाली फाइल पर जाएंगे जो हमारी Ubuntu फाइल अभी हमने डाउनलोड करी है. सो गाइस वो मेरी है सेटअप में. सो गाइस जैसे ये देख सकते हैं, एक सेकंड ये Ubuntu कौन सी है. और भैया सो मेरे हिसाब से मेरे को री डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि गाइस जो मेरी ये वाली Ubuntu फाइल है मेरे कंप्यूटर में वो शायद से Ubuntu डेस्कटॉप वाली है, Ubuntu सर्वर नहीं है. सो मैं इसको करता हूँ कैंसिल एंड इसको डाउनलोड होने देता हूँ. तो एज यू कैन सी जो सेटअप है वो भी इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 908 MB का है. और एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है Ubuntu सर्वर. ओके सो मेरे पास पहले से था ये. सो गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट इमेज पर. एंड गाइस मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा Ubuntu सर्वर को. सो गाइस ये वाला सर्वर हमने अभी डाउनलोड करा है. यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि मेरे पास मेरे को इसी पेन ड्राइव को फ्लैश करना है. सो सिलेक्ट नहीं हुआ शायद. एंड गाइस हे वी गो, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ्लैश पर. एंड गाइस हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो गाइस दिस विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर पेन ड्राइव की स्पीड एंड आपके कंप्यूटर की स्पीड. सो गाइस इसको होने देते हैं, बेसिकली हमें और कुछ नहीं करना है इस कंप्यूटर के साथ, इसको हम बंद करके रख सकते हैं. सो ये फ्लैशिंग हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड एक बार ये फ्लैशिंग हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है. एंड सो ऑलरेडी अब हमारी फ्लैशिंग हो चुकी है कंप्लीट गाइस. अब हम क्या करेंगे, अपने जिस भी मशीन पे हमें Ubuntu को इंस्टॉल करना है, सो गाइस मैं फटाफट एक बार इस पर लैन केबल कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ईजी रहे बाद में हमारे सब कुछ ये सेटअप करनी. एंड गाइस दैट इज प्रीटी मच इट, मैं इसमें अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करूंगा. सो हियर वी गो. एंड गाइस मैं इसको अब ऑन करता हूँ. सो ऑलरेडी आपको इसकी लैपटॉप की हालत देख के पता लग ही रहा होगा कि कितना पुराना लैपटॉप है. सो मैं फटाफट क्लिक करूंगा पावर ऑन के बटन पर. एंड गाइस मैं बूट मेन्यू पे जाऊंगा बाय प्रेसिंग F10 की. सो आपके कंप्यूटर में कोई और की हो सकती है, मेरे एक लैपटॉप में फिलहाल के लिए F10 की है. सो F10 की से मेरा बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा. सो गाइस एज यू कैन सी यहां पे लिखा हुआ है कि मेरे को बूट कौन से डिवाइस से करना है. सो गाइस मैं यहां पे क्लिक करूंगा यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि मेरी यूएसबी में मैंने अपना Ubuntu का सेटअप इंस्टॉल कर रखा है. सो गाइस यहां पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मेरे को अपने यूएसबी से बूट करना है. सो यहां पे मेरे पास पूरी ओके. सो गाइस आई थिंक मेरा ये वाला यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है. सो मैं इसको निकाल कर यूएसबी को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने इस वाले पोर्ट में. एंड देखते हैं इस वाले पोर्ट से होता है कि नहीं. सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर करता हूँ रीस्टार्ट. A few moments later. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार हमारा Ubuntu को सेटअप रन होने लग गया. गाइस अच्छी बात Ubuntu की ये यूज करने की कि इसको आप घंटों मतलब दिनों महीनों तक ऑन रख सकते हो. जैसे मान लो आपने विंडोज के साथ ये सेम चीज करी तो गाइस आपको विंडोज पीसी एक ना एक बार शटडाउन करना ही पड़ता था कि वो सही तरह चलता रहे. बट गाइस Ubuntu के साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है. Ubuntu को आप जितने दिन तक चाहे, मतलब मैंने जब लास्ट टाइम इसमें सर्वर इंस्टॉल किया था तो गाइस मैंने शायद से इसको एक महीने बंद नहीं किया था, एक महीने तक मेरा कंप्यूटर चलता ही रहा था. सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है. सो वी जस्ट वेट. सो गाइस इस प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, ट्राई करो कि इस प्रोसेस में, बस इस प्रोसेस में आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो. इंटरनेट कनेक्शन भी गाइस वायर्ड वाला, वायरलेस नहीं, वायर्ड कनेक्शन. सो गाइस अगर ये आपके पास होगा तो आपके काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें लोड हो रही है, सारे के सारा गाइस आप एक देख सकते हैं टर्मिनल मोड आ गया है, वर्बोस मोड आ चुका है पूरा. एंड एक एक चीज एक एक कमांड ये रन कर रहा है आपका जो Ubuntu सर्वर है. सो इसको होने देते हैं गाइस, इसको थोड़ा वेट टाइम लगता है, इसको थोड़ा टाइम इसको वेट करते हैं हम, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया स्टार्ट. मैंने अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया इंग्लिश. गाइस यहाँ पे मैं एक बार अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा कीबोर्ड कौन सा है. सो वी विल जस्ट वेट. सो ये मैंने प्रेस कर दी यस ओके. तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डन पर, कीबोर्ड सेलेक्ट कर चुका हूँ.
अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इथरनेट कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, इसलिए मेरा आईपी लिखा आ गया है। ये मेरा डिफॉल्ट आईपी, लोकल आईपी जो मेरे इस वाले डिवाइस का है, सिर्फ इस वाले डिवाइस का। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डन पर। प्रॉक्सी एड्रेस हमें नहीं चाहिए इसलिए हम लोग खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी हम कोई सीन नहीं, इसको सेलेक्ट करना है करो वरना मत करो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग पर, क्योंकि मेरे को अपडेट नहीं करना है, जैसा है मेरे को वैसा ही चाहिए। गाइस यहाँ पे जो डिस्क है WDS 120 GB, गाइस ये है मेरी जो हार्ड डिस्क मैंने जो इसमें पुट कर रखी है। गाइस आपके केस में दो हार्ड डिस्क हो सकती हैं, तीन हार्ड डिस्क, जितनी भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि अपनी इसी वाली हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करो जो 120 GB की SSD है। तो गाइस इसलिए मैं इस पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, एंड गाइस मैं क्लिक करूंगा डन पर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो ठीक लगे उस पर रख सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी SSD पर ही इंस्टॉल होए। मैंने क्लिक किया डन पर, एंड गाइस मैं दोबारा क्लिक करूंगा डन पर। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉलेशन विल रिमूव द इंटायर डेटा, तो हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा रिमूव होने से। सो गाइस यहाँ पे अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे योर नेम, अपना नाम डाल देंगे, अपना नाम डाल दिया हर्ष। सो आई जस्ट मेक इट मोर क्लियर, योर सर्वर नेम। गाइस यहाँ पे आपके जो सर्वर का नाम जो आप चाहते हैं, सो फिलहाल के लिए मैं इस पर लिख देता हूँ हर्ष होम सर्वर, HRS हर्ष होम सर्वर। यूजर नेम गाइस हम सेलेक्ट कर लेंगे हर्ष, मैंने यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया हर्ष। पासवर्ड जो भी आपको ठीक लगे आप वो सेलेक्ट कर लो। सो 123123 मैंने डाल दिया, एंड गाइस मैं क्लिक कर दूंगा डन पर। गाइस यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको ओपन SSH को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। वैसे गाइस आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये एडिशनल चीज है तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ओपन SSH से क्या पता आगे जाके कुछ करना हो, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक कर दिया है। एंड गाइस मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा डन पर। इसमें से भी गाइस काफी सारे एडिशनल पैकेजेस हैं, आप चाहें तो इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनमें से कोई भी पैकेज को इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा डन पर। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी Ubuntu की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। सो गाइस अगेन दिस विल डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर की स्पीड एंड आपकी जो SSD की स्पीड है। सो इसको होने देते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे भाई डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। गाइस यहाँ पे लिखा है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। सो मैं इसको थोड़ा होने देता हूँ, या तो 5 मिनट वेट करता हूँ, अगर हो गई तो ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। सो गाइस मैं बड़ा रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एंड गाइस मेरा कंप्यूटर जो है अभी वो रीस्टार्ट हो जाएगा गाइस, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। एंड गाइस हियर वी गो। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा Ubuntu सर्वर लोड हो चुका है। गाइस अभी हमारा सिर्फ Ubuntu सर्वर लोड हुआ है एंड हमने इसमें ओपन SSH किया था, तो गाइस ओपन SSH से आप इसे कनेक्शन कर सकते हैं, बट गाइस वो बड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं होता है। सो गाइस इसलिए हम इसमें सांबा शेयर इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम इसमें सांबा शेयर को इंस्टॉल करेंगे। सांबा शेयर से क्या होगा, अपनी वॉच, अपना फोन, अपना टीवी, अपना एंड्रॉइड फोन जो भी होगा गाइस उन सबको आप इस पर कनेक्ट कर सकेंगे। सो गाइस आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। सो यहाँ पे मैं फटाफट इसमें लॉगिन कर देता हूँ। मेरा ID जो थी वो थी HRS जो हमने अभी सेव की थी। ये क्या हो गया, गलत डाल दी। सो वेट, अभी एरर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन। यहाँ पे मैंने डाला अपना आईडी हर्ष और मेरा पासवर्ड जो था 123। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्ष होम सर्वर लिखा आ गया है। गाइस अब आपको 2-3 कमांड रन करनी पड़ेंगी इसमें। सो गाइस इन सब कमांड्स के लिंक्स मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब इन सबको टाइप करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां जाके इनको भी देख सकते हैं। वैसे गाइस आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे sudo apt-update। एंड गाइस यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल होंगी वगैरह, मतलब जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी सब अपडेट हो जाएंगी। सो गाइस यहाँ पे लिखा रहा है 0% वर्किंग, एंड ये आपकी जो फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं उनको अपडेट कर रहा है। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पैक के सब अपडेट हो चुके हैं। अब आप लिखेंगे sudo apt install, ओ मेरा एन सही से काम नहीं कर रहा, इंस्टॉल सांबा SAMBA। गाइस यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एंटर पर, एंड गाइस आपका जो सांबा है ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके आपके लैपटॉप पर, आपके सर्वर पर। सो वी जस्ट वेट। ये गाइस बड़ा ही इजी प्रोसेस है, कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। एंड गाइस सांबा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। गाइस अगर आपको चेक करना है कि आपका सांबा सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, आप एक कमांड लिखेंगे वेयर इज सांबा, वेयर इज स्पेस सांबा। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो ये लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, इसका मतलब आपका सांबा सही से इंस्टॉल हो गया है। गाइस इसके बाद बेसिकली हमारा सांबा तो इंस्टॉल हो गया है। सो गाइस अब हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इसमें जो हमें शेयर करना है। सो गाइस फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप टाइप इन करेंगे mkdir/home/ जो भी आपका यूजर नेम होगा, मेरा यूजर नेम है हर्ष /sambashare SAMBASHARE। एंड गाइस आप क्लिक कर देंगे एंटर पर, इससे आपका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सांबा शेयर की होम डायरेक्टरी है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो उसके लिए आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, टाइप इन करना पड़ेगा sudo nano। सो गाइस मैं आपको, मैं जैसे कि बता रहा हूँ, मैं इसके लिंक्स भी मैं इसको टाइप करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा ढंग से तो आप वहाँ पर जाके इसको खोल सकते हैं। sambashare.conf
गाइस आप क्लिक कर देंगे एंटर पर, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपके पास एडिटर खुल जाएगा। सो गाइस इस एडिटर में आपको दो तीन चीजें एडिट करनी पड़ेगी। सो गाइस आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको एक सांबा शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। सो आई जस्ट शो यू, वो थोड़ा नीचे जाके होता है प्रिंटर्स। ओके सांबा शेयर का इसमें गाइस आ ही नहीं रहा, सांबा शेयर आपको ऐड करना पड़ेगा खुद भी। सो गाइस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंटर पर, एंड गाइस यहाँ पे जैसे कि जैसा जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको वैसे ही ऐड करना है। सो गाइस स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लिखना है सांबा शेयर, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे आप। गाइस अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसके लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, मतलब इसको पूरा टाइप करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको समझने में और आसानी हो। आप लिखेंगे कमेंट इक्वल टू स्पेस जो भी आपको कमेंट डालना है। सो लेट्स से सांबा सर्वर ऑन, नहीं बस ठीक है सांबा सर्वर डाल दिया मैंने कमेंट, जो भी आपको डालना है मर्जी है डालो चाहे ना डालो। उसके बाद क्लिक कर पाथ, पाथ टाइप इन करेंगे, पाथ इक्वल टू जो भी हमने नई डायरेक्टरी क्रिएट करी थी अभी, आप चाहें तो डायरेक्टरी को अपने हिसाब से कर सकते हैं। होम स्पेस जो भी आप फॉरवर्ड स्लैश जो भी आपका यूजर नेम होगा, मेरा हर्ष है, एंड सांबा शेयर का ये वही फोल्डर है जो हमने अभी अभी क्रिएट करा है थोड़ी देर पहले। इसके बाद आप क्लिक करेंगे रीड ओन, टाइप इन करेंगे रीड ओनली, रीड ओनली इक्वल टू नो, एंड गाइस इसके लास्ट लाइन एक टाइप इन करनी पड़ेगी बी आर ओ डब्ल्यू एस ए ब्राउजेबल इक्वल टू यस। गाइस बेसिकली दैट इज प्रीटी मच इट। आप कंट्रोल ओ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ओ से कहेंगे सेव हो जाएगी, एंड गाइस आप क्लिक कर देंगे कंट्रोल एक्स पर, कंट्रोल एक्स से आप एग्जिट कर जाएंगे इस एडिटर से। सो गाइस बेसिकली हमने सांबा अच्छी तरह कॉन्फिगर कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड डालेंगे sudo service sudo service smbd restart, इससे कहीं हमारा सांबा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद हम एक और कमांड डाल देंगे जिससे हमारे फायरवेल में कोई प्रॉब्लम ना आए, sudo ufw allow samba। सो हमने ये क्लिक कर दिया। एंड गाइस एक लास्ट चीज, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, वरना आपका कोई भी जो भी बंदा आपके नेटवर्क में होगा वो उसको एक्सेस कर पाएगा। सो अब हम एक यूजर नेम क्रिएट कर देंगे जो कि हमारे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देंगे जिससे हम अपनी सांबा डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए। सो मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ sudo smbpasswd डैश ए, जो भी आपको यूजर नेम डालना है। सो लेट्स से मैं हर्ष यूजर नेम डालता हूँ, और गाइस ये वाला यूजर नेम है ये आपके उससे अलग है जो हमने पहले यूजर नेम क्रिएट किया था। वो जो यूजर नेम था पहले जो हमने क्रिएट किया था वो था हमारे Ubuntu सर्वर के लिए, और जो ये यूजर नेम है ये है हमारे सांबा सर्वर के लिए। सो मैंने पासवर्ड डाल दिया 123123, एंड गाइस दैट इज प्रीटी मच इट। और गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस अब आप इसको बंद नहीं करना, बंद करके रिस्टार्ट बंद हो जाएगा। हाँ एंड सो गाइस दैट इज प्रीटी मच इट। गाइस अब आपका सर्वर क्रिएट हो चुका है, एंड गाइस अब एक टाइप इन करके if सोवेट, मैं एक चीज दिखाना भूल गया। सो गाइस आपको अपना आईपी एड्रेस पता करने के लिए किस आईपी एड्रेस पे लोकेटेड है आप वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। गाइस आप टाइप इन करेंगे sudo apt install net-tools, यहाँ पे आपको जो नेट टूल्स है इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड गाइस वेट, यहाँ पे लिखा रहा है 0% वर्किंग। All right, guys, so ये भी हमारे हो गए हैं। इसके बाद आप टाइप इन करेंगे आई एफ, अभी हुआ नहीं है, आई एफ कॉन्फिग सी ओ एन एफ आई जी। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस लिखा आ गया है 192.168.1.18, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने फोन वगैरह जो भी आप कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट करेंगे। सो गाइस मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। गाइस ये मैं गया अपने आईफोन पे, गाइस आप मैं फिलहाल के लिए आईफोन पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको और चीजों पे भी दिखा दूंगा करके। गाइस हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो पहले मैं सबसे पहले इसको वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली वाईफाई से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो गाइस अब जो मेरा डिवाइस है, जो मेरा मोबाइल है, सो मोबाइल ये रहा, एक मैं मोबाइल बना देता हूँ। सो गाइस अब हमारा मोबाइल हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है, और जो हमारा वाईफाई है वो हमारे सर्वर से कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली मेरा सर्वर और मेरा मोबाइल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। सो गाइस आई विल जस्ट शो यू, ये रहा मेरा वाईफाई, ये रहा मेरा कंप्यूटर, एंड गाइस ये रहा मेरा मोबाइल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कनेक्ट टू सर्वर पर, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार विंडो से भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। मैं टाइप इन करूंगा smb, क्योंकि हमने एक smb सर्वर बनाया है, कोलन फॉरवर्ड स्लैश 192.168.1.18, मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पर। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमने अभी भी पासवर्ड क्रिएट किया था, तो हमने अपना नाम डाला हर्ष और पासवर्ड डाला 123। मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पर, एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सांबा शेयर फोल्डर खुल गया। ये वाला फोल्डर वही है जो हमने अभी अभी शेयर किया है अपने इस सर्वर से। सो ये सेम चीज हम विंडोज के साथ भी कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू विंडोज के साथ भी। सो गाइस एक बार हम विंडोज को भी कनेक्ट करके देखते हैं। गाइस विंडोज के साथ कनेक्ट करना बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्लिक करेंगे विंडोज आर पर, एंड गाइस यहां पे अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे विद backslash दो backslash के साथ अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे। आप सिंपली क्लिक करेंगे ओके पर, एंड गाइस आपका सांबा शेयर खुल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप एक सेकंड, ये मेरा पुराने वाला खुला हुआ है, मैं क्लिक करूंगा सांबा शेयर पर, जैसे कि आप देख सकते हैं फोल्डर इज एम्प्टी। सो गाइस मैं चाहूं तो यहाँ से सारी मतलब जो भी अपनी फाइल है उसको उठाकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सो आई जस्ट मैं आपको एक छोटी फाइल ड्रॉप करके दिखाता हूँ।
सो लेट्स से मेरी एक ये वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये वाली वीडियो हमारे लैपटॉप से हमारे सर्वर पर मूव हो रही है एंड मैं इस वीडियो को अपने मोबाइल पर भी देख सकता हूँ। सो गाइस मैं इसको अपने मोबाइल पर ही खोल के दिखाता हूँ। एंड गाइस स्पीड मेरे हिसाब से अभी इतनी अच्छी तो नहीं आ रही क्योंकि 20 Mbps की स्पीड आ रही है। इससे और अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल सकती है अगर आप अपने वाईफाई अपने सर्वर के और पास हो गए तो। सो गाइस मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ अपने इस वाले फोल्डर में खोल के, मतलब इस वाले मोबाइल में खोल के ये सेम वीडियो। सो मैं जाऊंगा अपने फाइल्स पर, मैं वापस जाऊंगा सांबा शेयर पर। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये वाली वीडियो मेरे मोबाइल में भी आ गई है। ये वही वीडियो है। सो वेट मैं आपको खुल के दिखाता हूँ। सो फिलहाल के लिए जो फाइल है ये मेरे आईफोन पे अब ओपन नहीं हो रही क्योंकि गाइस ये फॉर्मेट दूसरा है। मैं आपको इमेजेस कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो ये मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करी यहाँ पर। एंड गाइस ये वाली इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है मेरे आईफोन पे। मैं इस पर क्लिक करूंगा ओपन पर। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेम इमेज मेरे पास हमारे मेरे आईफोन में आ गई है जो कि मैंने अभी अभी ट्रांसफर करी है अपने कंप्यूटर से। सो इस तरह से आप अपने एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पर बहुत ही इजीली, लोकल सर्वर। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहां पर मैंने क्रिएट करी। एंड गाइस ये फाइल मैंने यहां से इसमें ट्रांसफर करी और इससे मेरे वायरलेसली मेरे मोबाइल पर आ गई है। सो गाइस हाउ कूल इज दिस थिंग यूजिंग दिस सिंपल राउटर। गाइस ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है और ये जो मेरे कंप्यूटर है ये भी कोई ऐसा हाई एंड कंप्यूटर नहीं है। एंड गाइस फिलहाल के लिए आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मच फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू वाज मेड टिल द एंड जस्ट ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो इफ यू वांट मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। और बताओ गाइस मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? ऐसा हेयर स्टाइल तो है ही नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।